एक ज़माना था गुज़र गया जब इस दुनिया में ईमानदारी हुआ करता था। लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट करते थे, विश्वास करते थे, लेकिन आज बदलते दौर में सब कुछ बदल गया। रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, किसी अत्याचार। पर विश्वास करना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज भी हम एक ऐसे दौर में एक पुलिस वाले की बात करें तो आपके दिमाग में सिर्फ नेगेटिव ही आएगा। लेकिन जहां बात पुलिस वाले की होती है तो आपके दिमाग में नेगेटिव आता है। लेकिन आज हम बात एक ऐसे शख्सियत के बारे में करेंगे जिनका नाम SI सुभाष राय है। सुभाष राय ने अपने 8 साल के करियर में वो कारनामा कर दिखाया है जो हिंदुस्तान की जनता के लिए और आम पब्लिक के लिए गर्व की बात है। वैसे तो हमारे देश में बहुत से थानाध्यक्ष और आए गए, मगर आज हम बात सुभाष राय की करें तो इनके जो अच्छाई को देखकर हम उस बुराई को भी भूल जाएंगे जो पुलिस वाले की तरफ से होती है। इन्होंने अपने लाइफ में बहुत से अवार्ड भी जीते। इनका जो बच्चों के प्रति लगाव है वो भी एक अलग तरीके से है। ये पुलिस डिपार्टमेंट काम करते हुए एक लोगों को, आम लोगों को, आम जनता को इतना प्रेरित देते हैं, उन्हें बराबर भरोसा देते हैं कि उनको बराबर न्याय मिलेगा, और इनसे मिलने के लिए किसी को हिचकिचाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ये सुभाष राय सभी क्षेत्र में अपना इंटरेस्ट रखते हैं। इन्होंने बड़े बड़े कारनामे किए। खुद मां थाना अध्यक्ष के रूप में इन्होंने 1 साल कार्यरत किया। उसके बाद इन्होंने कुटुंबा में अपना कदम रखा, जहां पर 3 साल इन्होंने अपना अहम योगदान दिया। फिर मदनपुर में 1.5 साल थाना अध्यक्ष के रूप में रहे। उसके बाद ये कार्यरत हैं नबीनगर में 6 महीने से। इन्होंने एक समाज को एक नया मोड़ दिया है, एक नई दिशा दी है, और कई केस इन्होंने अपने लाइफ में सोल्व किए हैं। साइबर क्राइम, इसके बारे में तो आप सिर्फ नेट पे ही पढ़ते होंगे, लेकिन इन्होंने एक ऐसे साइबर क्राइम व्यक्ति को पकड़ा है जो फेसबुक पे अश्लील और गंदगी फोटो अपलोड किया करता था। इनसे ये सीख मिलता है कि जो भी आज के डेट में फेसबुक पे या ट्विटर पे या फिर इंस्टाग्राम पे अश्लील तरह का फोटो डाल रहे हैं, उन्हें डरने की जरूरत है, क्योंकि इन्होंने ये कार्य कर दिखाया जो कि आज के डेट में बहुत बड़ा मायने रखता है कि साइबर क्राइम को पकड़ना, ताकि वो ऐसी गंदगी और घटिया हरकत ना कर सके। तो ये इनके लिए एक बहुत ही बड़प्पन बात है। ये स्कूल में भी सभी छात्रों को सम्मान देते हैं, वहां पर अपना योगदान देते हैं, बच्चों के प्रति, गरीबों के प्रति इनका बहुत ही बड़ा अपना एक लगाव है। ये अपने आप को एक अलग सिस्टम से चलाना चाहते हैं, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा और हिंदुस्तान की जनता को भी काफ़ी अच्छा लगा। हम सपोर्ट करते हैं इनका कि ये इसी तरह कार्य करते रहें और हमारा सर गर्व से ऊंचा होता रहे। तो इसी बात पर अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो कॉमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा और इनके सपोर्ट में एक वर्ड ज़रूर लिखिएगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में दबा दीजिएगा बेल आइकन को, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिल पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए, टेक केयर, बाय बाय। जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना, उठाना मेरा कमांडो डैगर और छाती पे हिंदुस्तान लिख देना। कोई पूछे पागल था वो कौन, तो भगत सिंह और क्रांतिकारियों का चेला और इंकलाब का गुलाम लिख देना। और बचा हो जो जिस्म में लहू मेरे, निकालना उसे, फेंकना जमीन पे, और माँ तुझे सलाम लिख देना। नए फलक में उड़ने को पर तोल रहा है हिंदुस्तान, बोल रहा है हिंदुस्तान, बोल रहा है। अब दूरी रहे ना दूरी, कोई बात रहे ना अधूरी, अपनों की